मेरे साथ भगवान है। मैं यहाँ नहीं जा सकती। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। बचाव बहुत मजबूत है, अब और जीवों से इसका सामना होगा। क्या उसे पता है कि वो पीछा कर रही है? जो भी मुझे रोकने की कोशिश करता, मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। ये सच में बहुत सुंदर है। ये यहाँ कैसे आया? एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है Thank you.
चमत्कार है। ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है भगवान विष्णु, आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना ही नाम पा लिया है।
जगह है जहाँ वो गाड़ियाँ ले गए थे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूँ? एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। अगर वह याद कर सके तो।
बच्चों को किसने बंदी बनाया? उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। चित्रण किया है, उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया, जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना, जो बुराई के विनाशक। दूसरा हिस्सा आपको पता है, देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी।
उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है।
वे तुमसे जो भी चाहते हैं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ छोटे भाई, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं कसम खाती हूँ। मेरे साथ माँ दुर्गा है। जो आएगा, माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। वो हमेशा से आपके साथ रही है और वो सही है। आप इसके बारे में बहुत सोचती है। वो जरूरी है, उससे दुनिया के मानवों को बहुत उम्मीद है। मैं उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। ये अजीब है ना, कि इतनी सुंदर और नक्काशी वाली जगह को युद्ध के किले के रूप में बनाया जाना। युद्ध वो साधन है जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए दिए गए हैं। वे केवल उतना ही आदर करते हैं जितना जरूरी है। युद्ध ही एक रास्ता नहीं है। मिल गया, वो गोलू था। असुरों को वो क्यों चाहिए?
इन जीवों ने अंधेरे के मंडल को बुलाया, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया था। राजी उन्हें रोकने के लिए भागी, लेकिन असुरों के मुखिया ने उसका रास्ता रोक दिया और अचानक गोलू गायब हो गया। असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था।
और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? ओह, मेरे भाई, तुम बहुत पास थे। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा। सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। सुंदर नदियों का नगर, लेकिन अब इन नदियों में विष घुल गया है। यहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिला करते थे। उन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। राजी इन्हें खिला सकती है अगर वो इनके बारे में सोचे तो। Come on.
विष्णु का मंदिर है। ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था, लेकिन ये मेरा नहीं है। अब यहाँ पूरी शक्तियाँ वास करती है। उसकी परछाई लंबी है। तुम्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया, एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे।